अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त MRK, आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये रात बर्फ़ गिरी है और इस बर्फ़ का नज़ारा आप देख रहे हैं। ये बर्फ़ रात ही गिरी है पहाड़ों पे। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसका ये सीन, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस पहाड़ की इस बर्फीली जगहों पे। ये देखो पेड़ों पे कैसे बर्फ़ खूबसूरत सी, ये देखो ये बेहतरीन बर्फ़, अच्छी खूबसूरत जैसे कुदरत का नज़ारा, कितना बेहतरीन नज़ारा कुदरत का। अल्लाह ताला ने इस नज़ारे को मेरे कैमरे में कैद करने के लिए रखा था। मैं रात ही यहाँ स्टे किया है, यहाँ पे मैंने आके तो होटल के अंदर तो देखा मैंने कि सुबह उठाऊं तो यहाँ बर्फ़बारी हो रही है ज़बरदस्त, और बर्फ़बारी भी ऐसे छोटी मोटी नहीं, बर्फ़बारी भी बहुत ज़बरदस्त बर्फ़बारी है रात से बर्फ़बारी। ये देखिए दूर तक चादर ओढ़े हुए पूरी, ये नीचे तक देखिए, ये पेड़ों पे देखिए, ये पेड़ों पे और नीचे पूरी बर्फबारी। टोटल आपको यहाँ से वहाँ तक बर्फ ही बर्फ दिखेगी। और ये नज़ारा, ये सुबह का नज़ारा है, सुबह सुबह इष्टम 7:30 बजे ये खूबसूरत नज़ारा, बेहतरीन ज़बरदस्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस कदर बर्फ़ की चादर पूरे पहाड़ पे छाई हुई है, और इसकी खूबसूरती कैसे रंग लाई है। कहते हैं ना ये खूबसूरती कैद करने के लिए कैसे कैसे आप हिसाब करना पड़ता है। ये कुदरत का नज़ारा है, ये इसी को कहते हैं कुदरत, और ये शान है, ये अल्लाह का, अल्लाह की रहमत है बारिश। ये देखिए यहाँ से पूरा टोटल वहाँ तक, ये देख लीजिए आप देख रहे हैं, मैंने आपको टोटल यहाँ से वहाँ तक ही दिखाया। कैसा लगा आपको ये, मैं थोड़ा और आपको ऊपर ले चलता हूँ। ये देखिए यहाँ से और खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आएगा, ये है ऊपर बर्फ़ से ढका हुआ पूरा कश्मीर, और ये वो जगह है जहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं। और देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे अकेला तन्हा हूँ। और ये देखिए ये देखिए यहाँ से वहाँ तक दूर दूर तक आपको यहाँ का, ये देखिए मैं बर्फ़ पे चल रहा हूँ, ये पूरी बर्फ़ बर्फ़ की चादर ढकी हुई है पूरी की। ये देखिए, और मेरे ख्याल लगता है फिर से बर्फ़बारी होगी और अच्छी बर्फ़बारी होगी। देखिए मैंने क्या पहना हुआ है, मैं जो हूँ इस टाइम ये मैंने पहन रखा है यहाँ का ट्रेडिशनल जो होता है फैरन, इसको कहते हैं फैरन, ये मैंने फैरन डाल रखा है। ये देखिए ये फैरन यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा चोंगा होता है एकदम से, इसके अंदर हवा और हर चीज़ से बचाव होता है। और ये सर्दी में जो अंगीठी होती है इनकी कांगड़ी रखने की, उसको इसके अंदर रखते हैं, और अपने हाथ है कि हम सर्दी से बच गए हैं। अभी मैं सुबह सुबह ये आया हूँ
नमाज़ पढ़ के, और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी बर्फ़बारी हो रही है, जैसे कि बर्फ़बारी हो रही है, मैं बर्फ़ दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, मैं अपने आप को भी दिखा रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक, देखिए कैसा लगा आपको मेरा ये, आप बताइए। और मेरा ये अस्सलाम सलाम कबूल हो आप सबको, सुबह की सुबह का सलाम कबूल हो, क्योंकि मैं आपके यहाँ हाजिर हुआ हूँ। ये देखिए आप पीछे तक देखिए, आप इसको भी पीछे तक एंजॉय कीजिए, पूरा आप वो एरिया देखिए कितना खूबसूरत, बर्फ़ से ढका हुआ, पूरी चादर पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, सुबह का माहौल है, सुबह 7, 7:30 बजे का टाइम है, देखिए ऊपर से बर्फ़ गिर रही है, ये देखो हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है, बारीक बारीक बर्फ़ गिर रही है, तो इंजॉय कीजिए। तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ, देखिए चिड़ियों की चहचहान की आवाज़ है, क्या आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप मुझे बताएं कमेंट्स करके, तो मैं आपको नीचे लिए चलता हूँ, आइए आपको दिखाता हूँ नीचे लेके, नीचे लिए चलता हूँ आपको, आप नज़ारा रखिए इधर से, ये देखिए कितनी बर्फ़ ढकी पड़ी है, पूरी की पूरी, ये देखिए पूरी की पूरी बर्फ़ ढकी, पूरी बर्फ़, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बर्फ़ के नज़ारे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बर्फ़ पूरी पूरी बर्फ़ है, आपको इसका नज़ारा दिखाता हूँ, और तो इसी के साथ दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने दोस्त MRK को, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं नीचे उतर रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा और इसका ये नज़ारा दिखा दूँ खूबसूरती का, तो आपको अच्छा लगेगा, इससे मेरी वीडियो भी पूरी हो जाएगी और आपका ये काम भी पूरा हो जाएगा। ये देखिए इसका बाग ही, ये सारे बाग ढके पड़े हैं, पूरे पेड़ जो है ये बागों से भरे पड़े हैं, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी आप पेड़ देख रहे हैं, ये देखिए ये ऊपर पंचायत है, इसको ग्राम पंचायत कहते हैं, ये ग्राम पंचायत का जो भवन बनाया गांव वालों ने, और ये बाग है पूरा नीचे तक, टेबों का बाग है पूरा टोटली, अच्छा खूबसूरत, ये देखिए आप देख सकते हैं ये खूबसूरत वादी का सफ़ेद चादर से ढका हुआ, एकदम इतना हसीन अच्छा लगता है, दिलकश, आप ऐसा लगेगा जैसे आप ये अनटच, मतलब यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आता, ये विलेज बगैर टूरिस्ट के, और ये इसीलिए बगैर टूरिस्ट के, देखो फिर भी कितना खूबसूरत, ऐसी ऐसी जगहें हैं जो टूरिस्ट जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, और ये जगहें
छुपी हुई होती हैं और खूबसूरत नज़ारा होता है। जबकि बर्फ़ के मौसम में तो आपको पता ही है, खूबसूरती तो हर जगह रहती है। और खूबसूरती का तो क्या कहना, कश्मीर की खूबसूरती का, और जिससे आपको पता लगता है, देखिए पूरा आपको दिखा रहा हूँ, पूरा ये बर्फ़ से ढका हुआ। तो इसी के साथ दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, और मेरी अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहें। मैं आपको और अच्छी जगह दिखाऊंगा, इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का।